सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी है शेडो में, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा रहेगा, मतलब जो प्रीवियस वीडियो इसका नहीं देखा रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को देखना और नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो अभी मैं शेडो से वापस निकल रहा हूँ मुंबई की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 3:35। सो टोटल किलोमीटर से मेरा 252, जिसको लगने वाला है 5 आवर 57 मिनट्स। अराइवल टाइम दिखा रहा है 9:27, 9:30 मतलब। तो जाने तक तो मुझे उससे भी ज़्यादा ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि बीच में हॉल्ट वगैरह रह गए, कैसा क्या रह गए उसके हिसाब से। सो बस अभी बाइक वगैरह भी कोल्ड स्टार्ट कर दिया मैंने। एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी पार्क की थी और दर्शन के लिए दूसरे से हट गया था। सो चलो गाड़ी अभी चालू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया साईनाथ महाराज की जय। तो टोटल किलोमीटर्स अभी मेरा यहाँ तक होने के बाद 254 हुआ है। और तो ये मेरा फ्यूल नेक्स्ट भरने के बाद में जो किलोमीटर्स है वो है। मैं इसका एवरेज भी चेक किया हूँ कितना एवरेज जो प्रीवियस वीडियो में है, तो जाके चेक करना प्लीज़ वीडियो को। चलो अभी निकलते यहाँ से। निकलने के पहले ना एक्चुअली सब कुछ चेक करना पड़ता है, वही मेरे को प्रॉब्लम होता है। मैंने मंदिर के ऑपोजिट साइड में अपनी गाड़ी पार्क की थी। जो मैंने होटल लिया था वो थोड़ा मंदिर से दूर था और रात इतनी हो गई थी मुझे होटल घूमते घूमते कि मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया बाद में। और ये न्यू ईयर का फर्स्ट वीक है, इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दी है। नई मंदिर है, इसके सामने मैंने पार्क किया था। एंट्री वो साइड भी आपको सामने राइट में दिख रही होगी, वहाँ से एंट्री था। मैंने वी आई पी पास निकाल दिया था क्योंकि रश इतना था कि मेरे को बहुत लेट हो जाता था। मुझे एक्चुअली थोड़े पेड़ लेने थे घर के लिए। शिरडी का प्रसाद भी मैंने 2 पैकेट ले लिए, क्योंकि एक जन को 2 ही पैकेट मिल रहे, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। थोड़ा पेड़ देखता हूँ और निकलता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जाके मैं खाना खाने वाला हूँ, मुझे भूख लगी है बहुत। तो देखो अभी दिखा रहा है मुंबई 260 किलोमीटर्स, बट मेरा घर यहाँ से अराउंड 250 किलोमीटर्स के आसपास है, 250 या 252 मैंने बताया था जैसे कि। चलो साईनाथ महाराज की जय। बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव है उससे न्यू ईयर में आने के बाद यहाँ पे। अच्छा तो मैं शिरडी बहुत टाइम आते होता, ईयर में अराउंड 4 to 5 times आता है, बट न्यू ईयर के टाइम में कभी आया नहीं था, तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्चुअली। और इतना रश भी मैंने शिरडी में पहली टाइम देखा रहेगा। तो अभी साई बाबा का आशीर्वाद लिया यूट्यूब जर्नी के लिए। प्लीज़ आप भी मेरे को थोड़ा सपोर्ट करना ताकि और अच्छे वीडियोज बनाऊँ मैं और अच्छा कैमरा ले सकूँ। बाइक तो मैंने ले ली है हिमालयन। सो अभी होटल में साई माया में रुका हूँ। ये होटल काफ़ी अच्छा, मैं इसके एक दो बार पहले विजिट कर चुका हूँ। अंदर एम्बियंस भी अच्छा है, तो सोचा थोड़ा गार्डन टाइप ये रहेगा तो वहाँ पे बैठूँ। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा हल्का ही खाना है। क्या बोलते हैं काका, लाओ नहीं करते लाओ जाते ना। अरे बंद हो गया गाड़ी। अरे सर बाबा मतलब बाइक से रक्षण करा तो करें तो। अरे 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 ये देखो पूरा अंदर डस चुका है, लोगों ने ऐसे ग्रेवल्स डाले। सभी खाना खा के हो गया मेरा और टाइम हो रहा है 5 o'clock, बट मैंने इतना ज़्यादा खाना खा लिया ना कि मुझे अभी बहुत सुस्ती आ रही है। लोग को पूछ रहा था ब्लैक कॉफ़ी दो, तो लेकिन पास ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं थी। तो अभी वही सोच रहा हूँ कि किधर, तो रास्ते में अभी वापस एक बार रोकना पड़ेगा ब्लैक कॉफ़ी के लिए। चलो अभी निकलते हैं, शिरडी से निकलने को इतना लेट हो गया, क्या बोलने का। जैसे हम मुंबई के लिए निकलते हैं तो लेफ्ट लेते हैं, तो वहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा बीच बीच में काम चालू है, डायवर्जन चालू है, तो कंटिन्यूसली आपको डायवर्जन आते रहिए। बट डायवर्जन के बाद भी जो रोड वाले बना है ना काफी अच्छा है, तो स्पीड वगैरह अच्छी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो अभी तो सनसेट होने वाला है, मैं भी थोड़ी काम में इसका वाइजर चेंज करना, क्योंकि मेरा ब्लैक कलर का वाइजर है, मतलब ब्लैक पिंक वाइजर है, मुझे ये भी करके चेंज करना पड़ेगा। कल मुझे भी आ रहा था ना, कभी मेरे को प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने वाइजर ओपन करके गाड़ी चलाई। सनसेट होने वाला है, सनसेट होगा तभी मैं रुक के प्रॉपर वाइजर अपना चेंज कर लूंगा और ट्रांसपेरेंट वाला वाइजर लगा दूंगा अभी। अरे भाई साहब ये एक्सीडेंट बिल्कुल मैंने जाते टाइम देखा था, डिजायर है नासिक की इतनी जोर से डाली हुई है ना गाड़ी, बहुत जोर से डाली है, पूरा इंजन तक क्रैश हो चुका है इसका, शायद से कोई ट्रक के अंदर ही घुसा रहे हैं गाड़ी इतने, जो इतना क्रैश हो चुका है। अभी मस्त सनसेट हो रहा है ये देखो। तो
तो जस्ट मैं यहाँ पर रुका हूँ कि एक मस्त फोटो ले लिया एक सनसेट के साथ, मतलब मेरा तो नहीं आ सकता बट एक बाइक का ले लिया और ऐसे हाईवे का वगैरह, तो बस इसके लिए रुका हूँ यहाँ पे। और एक यहाँ पर होटल भी है, होटल में एक बार विजिट किया था मैं, अच्छा मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी कर लूँ और वाइजर भी अपना चेंज कर लूँ, मतलब सनसेट हो जाएगा पूरा प्रॉपर विजन मिलेगा करके। वो देखो वहाँ पर सनसेट हो गया पूरा, तो जस्ट मैं अभी ये वाइज़र निकाला हूँ, ये वाइज़र मुझे चेंज करना है, तो बस अभी ये वाइज़र चेंज करके मैं अभी निकलूँगा यहाँ से। कॉफ़ी तो मैंने पी ली है, ब्लैक कॉफ़ी इतनी कुछ खास नहीं थी, सोचे ओके था, तो बस अभी निकलता हूँ यहाँ से वाइज़र चेंज करके। ये रहा अपना वाइज़र, ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू है। होटल में मेरा ब्लैक कॉफ़ी पी के हो गया, थोड़ा लेट हो गया वापस से, कॉल वॉल चालू था, तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। टाइम हो रहा है 6:34, मैं डायरेक्ट जाऊँगा, अभी तो कोई हॉल्ट लेने का कोई इरादा नहीं है, तो जितना हो सके उतना डायरेक्ट स्ट्रेच करूँगा, जब भी कुछ पेन करने लगेगा बम पेन ब्रेक वगैरह लेना पड़ेगा फिर, और तो कुछ नहीं। और अभी मैंने ग्लव्स भी डाल दिए एक साइड के कटिंग करके, और ये देखो ये सनसेट हो चुका है, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है अभी, कलर शेड से इतने आ रहे ना, नीचे बाहर उसके ऊपर येलो, उसके ऊपर ऑरेंज, उसके ऊपर फेम होते होते थोड़ा पीले जाते हुए, तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा गिर गया, मतलब लाना चाहिए सब कुछ पहुँच गया इसके लिए ठंडे से बचने के लिए। अभी मैं भोपी रोड पर पहुंचा हूँ, यहाँ पे थोड़ा ट्रक ट्रैफिक और क्या मालूम बाकी का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग सीधे से निकल जा रहे, बहुत सारे बाइकर्स भी हैं मेरे साथ में अभी, तो एक TRX थी, एक हिमालयन थी, और भी बाकी के कोई ना कोई बाइक्स आ रहे थे, तो अभी थोड़ा राइड कर रहा हूँ, मज़ा आएगा अगर ये लोग साथ में रहे तो, वरना ये लोग निकल जाए कि या फिर रुक जाएंगे तो फिर थोड़ा आगे पीछे होगा, अभी थोड़ा आगे है मेरे से, मैं रुका था जैसे वो लोग मेरे को क्रॉस करके आगे गए। कि लाइट देखो HJG के ओरिजिनल से, ये एक्चुअली मैंने भी परचेस नहीं की है, तो जो इसका एक सोनर था उसने परचेस की, और उसने परचेस किए थे, लाइट काफ़ी अच्छी है इसके थ्रू, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो जगह डिफरेंट जगह दोनों ने मेरे को लाइट ऑन किए, अभी लाइट ऑन करता हूँ, लाइट ऑन किया, तो काफ़ी अच्छा थ्रू मिल रहा है इसका। अभी मैं बेटर होते हैं और ये लोग ट्रक वाले ऐसे भयंकर ओवरटेक कर रहे हैं, ट्रक वाले इवन ये वाला भी अभी देखा आपने कैसा स्पीड में राइड में गया, सब लोग आड़े टेढ़े चला रहे हैं, ऐसे ऐसे ओवरटेक कर रहे हैं ना कि सीधा ब्रेक मार के गाड़ी रुकाना पड़ रहा है मुझे दो तीन जगह पे। तो अभी मैं जस्ट गोटी की रोड से बाहर आया और अभी टाइम हो रहा है 8:39, सो अभी बस यहाँ से हावे पकड़ा, और बीच में इतना ठंडी था ना मेरा पूरा हाथ फ्रोज हो गया, तो मैं कुछ वीडियो भी ऑन नहीं किया इसके लिए। अभी यहाँ से और 150 किलोमीटर्स कुछ तो है, एक मिनट में भी चेक करता हूँ, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। सो यहाँ से और 135 किलोमीटर से 3 hours 39 minutes दिखा रहा है, अराउंड टाइम 12:18 है। तो अभी ये मेन हाईवे पे लगा हूँ, यहाँ पे तो मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा ठंडी रहने वाली है, बाकी ओवरऑल जर्नी मस्त था, मज़ा आया मुझे, मतलब नाइट ड्राइव भी हो गया क्योंकि यहाँ पे एक सुसु ब्रेक लिया था, सुसु ब्रेक भी लिया था, मेरा हेलमेट है इस पर इतना हवा लग के ना मेरा सर पकड़ लिया था पूरा, यहाँ पे बैठ के एक चाय पिया और अभी थोड़ा हल्का सा सर मेरा दुखना कम हो गया, मुझे एक्चुअली रुकना ही नहीं था बट सर मेरा इतना पकड़ लिया और मेरे सुसु भी आई थी इसके लिए फिर मैंने गाड़ी रुका दिया।